तो आज मैं फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर पेश हुई हूँ, जीवन का एक सरल पाठ। एक महिला एक कारखाने में काम करती थी। एक दिन जब वह अपना काम खत्म कर चुकी थी, शेड्यूल के अनुसार वह कारखाने के कोल्ड रूम में गई, जहाँ उसे किसी चीज़ का निरीक्षण करना था। लेकिन इस दुर्भाग्य के क्षण में दरवाज़ा बंद हो गया और वह बिना किसी मदद के अंदर बंद हो गई। हालांकि वह बहुत चिल्लाई, मगर सब पहले ही जा चुके थे और बाकी के इस ठंडे कमरे में के बाहर थे। उनके लिए यह सुनना असंभव था कि क्या हो रहा है अंदर। 5 घंटे बाद जब वह मौत की कगार पर थी, तो फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड ने आखिरकार दरवाज़ा खोला। उस दिन वह चमत्कारिक ढंग से मरने से बच गई। बाद में जब उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा वह कैसे दरवाज़ा खोलने आया था, जबकि यह उसका सामान्य रूटीन नहीं था, गार्ड ने बताया, मैं इस कारखाने में 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ। सैकड़ों कर्मचारी हर दिन अंदर और बाहर आते हैं, लेकिन आप उनमें से इकलौती एक हैं जो सुबह मुझे नमस्कार करती हैं और हर रात काम के बाद जाते समय मुझे अलविदा, कल मिलते हैं कहती हैं। कई लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कि मैं अदृश्य हूँ। आज जैसा कि आपने काम के लिए रिपोर्ट किया, आपने मुझे अपने सरल तरीके से अभिवादन किया, हेलो, लेकिन आज शाम के बाद मैंने देखा कि आपका अलविदा कल मिलते हैं नहीं सुना। इसलिए मैंने चारों ओर कारखाने की जांच करने का निर्णय लिया। मैं प्रतिदिन आपके हाय और बाय का इंतज़ार कर रहा होता हूँ, क्योंकि वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं जिंदा हूँ। आज तुम्हारी अलविदा कल मिलते हैं न सुनकर मैं जान गया था कि कुछ हुआ था, इसलिए मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। विनम्र रहें, अपने आसपास के लोगों से प्यार करें और उनका सम्मान करें। उन लोगों से अच्छे से पेश आएँ जिनसे आप रोज़ मिलते हैं गुजरते हैं। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि कल क्या होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।